दोस्तों नमस्कार। शरीर में विशेष तौर से खून में पानी की कमी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आपने समय पर ट्रीट नहीं किया ना, तो आपके डॉग की जान भी जा सकती है। बहुत खतरनाक बीमारी है। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई डॉग बीमार होता है, उसको कोई वायरल बीमारी होती है या प्रोटोजोअल बीमारी होती है या डाइजेशन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं या बिना इन्फेक्शन के भी मान लीजिए उल्टी दस्त ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में खून में पानी की कमी हो जाती है, जिस दशा को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि दस्त हुआ या फिर उल्टी हुई या कोई बीमारी हुई तभी डिहाइड्रेशन हो। डिहाइड्रेशन तो ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो किस तरीके से पहचानेंगे, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। मोहन भाई वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी देख सकें कि आखिर कौन से सिम्टम्स आते हैं डॉग्स में जब उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। लेकिन आज का ये वीडियो कंप्लीटली ट्रीटमेंट पर है कि डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कौन सा इलाज कैसे किया जाता है और आप घर बैठे कैसे डिहाइड्रेशन को दूर कर सकते हैं और अपने डॉग की जान बचा सकते हैं। अगर मान ये हल्का डिहाइड्रेशन होता है ना, तो उस समय डॉग खाना पीना बंद कर देता है या कम कर देता है और कमजोर होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा हांफने लग जाता है और जो हांफता है ड्रूलिंग होती है और ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है। तो ये क्रम जो है वो फाइनली डॉग की जान भी ले सकता है। इसीलिए आप समय रहते इलाज कर दीजिए। इलाज में क्या है, कुछ जरूरी प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना होता है। और उसमें हमें क्या क्या करना है, देखो आज के वीडियो में देसी भी बताएंगे, दवाएं भी बताएंगे और होम्योपैथी भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। कंप्लीट बातें अभी करने वाले हैं। तो देखिए नंबर वन पर मैं बात करूं तो वो है भाई सौंफ का पानी। सौंफ फनल आप सभी जानते हैं। तो सौंफ जो है उसका पानी अगर आप पिलाते हैं, सौंफ पानी कैसे तैयार करते हैं, किस तरीके से पिलाते हैं, मैं पहले ही आपके लिए वीडियो बना चुका हूं। मोहन भाई डिस्क्रिप्शन डाल देना। हालांकि आप सौंफ के पानी को तैयार कर लें, गरम कर लें पानी को और गरम करें, उस समय सौंफ का पाउडर डाल दीजिए, वापस उसको ठंडा होने दीजिए और जब ठंडा हो जाता है तो उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, हल्का ठंडा रहता है उस समय आप अपने डॉग को पिला दीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। रिहाइड्रेशन थेरेपी भी अच्छी है तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी सहायक है, बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा एक पाउडर, विशेष पाउडर आता है जिसका नाम है, देखिए ये पाउडर जो है ऑर्डलाइट, ये ऑर्डलाइट पाउडर जो है भाई भाई बहुत ही शानदार है। जब भी आपको लगे कि डिहाइड्रेशन हो गया है, लोग को तकलीफ हो रही है डिहाइड्रेशन की, तो तुरंत ही आप ये 5 पाउच का एक पैकेट आता है, रोज एक एक पाउच हमें देना रहता है। इस पाउच को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, 500 ml पानी को गर्म किया जाता है, गर्म करके फिर से ठंडा किया जाता है। जिस समय वो ठंडा हो रहा होता है उसी समय ठंडा, काफ़ी ठंडा हो जाता है उस समय, उसमें ये ऑर्डलाइट पाउडर जो है एक पाउच जो 16 ग्राम के आसपास का आता है, एक पाउच हम उसमें डाल देंगे और वो पानी 24 घंटे के भीतर भीतर डॉग को पिलाना है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और फ्रिज में रख करके और फिर जो ही फ्रिज से निकाला थोड़ी देर के लिए बाहर रखिए, जब वो हल्का नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जा रहा होता है उसी समय ठंडे ठंडे को ही आपको अपने डॉग को पिला देना, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, लिमिट ठंडा। और ये अगर आप पिलाते हैं ना तो बहुत ही शानदार रहेगा। छोटा अगर पपी है तो उसको 250 ml तक पिलाया जाता है और बड़े जो डॉग्स होते हैं उनको 500-700 ml तक ऐसा पानी पिलाया जाता है। नॉर्मली एक सैकेट एक दिन में पर्याप्त है और ये बहुत ही अच्छी रिहाइड्रेशन थेरेपी है। 5 दिन तक कर दीजिए, जो डिहाइड्रेशन हो रहा था वो बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक विशेष होम्योपैथी है जिसका नाम थोड़ा विचित्र है लेकिन काम बखूबी बहुत ही शानदार है, जिसका नाम है चाइना 30। जी हाँ, चाइना 30 जो होम्योपैथी है भाई ये बहुत ही शानदार है और इसका इस्तेमाल अगर आप करवाते हैं, करना कितना है, जितने केजी का डॉग है उतने ही ड्रॉप आपको सुबह और शाम जीभ के ऊपर डालना है। आप कहेंगे सर मेरा डॉग 10 केजी का है, तो 10 ड्रॉप सुबह 10 ड्रॉप शाम को, बस ये 10 ड्रॉप्स बीडी सुबह शाम 10-10 ड्रॉप आप जीभ पर डालते रहिए। डिहाइड्रेशन कब चला जाएगा, आपका डॉग कब ठीक हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका डॉग एकदम से हेल्दी हो जाएगा।